हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और हिंदी की खूब सारी पढ़ाई भी सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे और नई नई मात्राएं भी अब आप सीख चुके होंगे। काफ़ी सारी मात्राएं हमने सीख ली है ना, तो चलिए आज हम एक नई मात्रा सीखेंगे। आपकी पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से कौन सी मात्रा है वो बच्चों? वो है अंक की मात्रा, जिसमें अ के ऊपर बिंदु लगता है और इसको कौन सी मात्रा बोलते हैं? अंक की मात्रा। देखिए इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है यह कि इसके ऊपर एक बिंदु लगता है और इसको बोलते कैसे हैं? अंग। जैसे कि क के ऊपर बिंदु लग गया, ये देखिए बिंदु है ना लाल रंग का, तो हम इसको क के ऊपर बिंदु लगेगा बोलेंगे कंग। च पे बिंदु चंग, ट के ऊपर बिंदु टंग और म के ऊपर बिंदु मंग। जैसे कि प के ऊपर अगर बिंदु लग गया पंग और फिर ख, तो क्या बन जाएगा? पंख। ह के ऊपर बिंदु लग गया और स, तो क्या बन जाएगा? ह के ऊपर बिंदु और स, हंस। प के ऊपर फिर से बिंदु लगा और ख, तो क्या बन गया? प पे बिंदु और ख, पंखा। प पे प है, त के ऊपर बिंदु लगा पतंग, पतंग। जिस अक्षर के ऊपर बिंदु लगता है उस पर हम उच्चारण कैसे करते हैं? अंग। पतंगा, कंघा। ये देखिए ब, बंग। ब के ऊपर बिंदु बंग, दूक, बंदूक। फिर से मा, मा के ऊपर बिंदु दी और रा, क्या बन गया? मंदिर, मंदिर। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं एक बार। आ के ऊपर बिंदु अंग, अंग। द के ऊपर बिंदु दंग, दंग। र के ऊपर बिंदु रंग, रंग। भा के ऊपर बिंदु भंग, भंग। स के ऊपर बिंदु संग, संग। ता के ऊपर बिंदु तंग, तंग। अंग, दंग, रंग, भंग, संग और तंग। और अब फिर से करते हैं। दा पे बिंदु दंग, गा। मा के ऊपर बिंदु मन, दा। गा के ऊपर बिंदु गंग, गा। चा के ऊपर बिंदु चंग, गा। ला के ऊपर बिंदु लंग, का। शा के ऊपर बिंदु शंग, का। ठीक। और अब किस तीन अक्षरों के? च पे बिंदु चन, दन। इन, इन जन, नन दन, मन जन, जंग गल, दंग गल। जिस अक्षर के ऊपर बिंदु लगता है उस पर कौन सा आवाज आती है, कौन सा उच्चारण होता है? अंग, मन। माँ के ऊपर बिंदु मन, जना, मन जन। जैसे कि त, रा पे बिंदु है तरंग, तरंग। प तंग, प लंग, म लंग। ल अंगूर, लंगूर। स सिंदूर, सिंदूर। गंगा जल, घंटा घर। चूकंदर, शतरंज, शतरंज। मनोरंजन, मनोरंजन। चन चंचल, चंचल। तो अभी हम किसका अभ्यास कर रहे हैं बच्चों? अभी हम कर रहे हैं अंग, अंग। और उसकी पहचान क्या है? उसके ऊपर ऊपर बिंदु है। चलिए अब हम वाक्य करते हैं। ये देखिए, ये देखिए बिंदु है, तो हम इसको कैसे इसका उच्चार करेंगे? गंग, अंग का। अब आप मेरे साथ साथ बोले, मेरे बात दोहराएंगे। गंगा नदी के पास शंकर भगवान का मंदिर है, चंदन पूजा कर रहा है। मंदिर के पंडित जी ने शंख बजाया, कंचन ने शिवलिंग को चंदन का लेप लगाया तथा कमंडल से गंगा जल चढ़ाया। मंदिर बहुत सुन, देखो मैं अंक की बोल रही हूँ ना, क्योंकि इसके ऊपर बिंदु है। मंदिर बहुत सुंदर जगह पर
है। अभी हमने ये वाले वाक्यों का अभ्यास किया था और अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट, और इसमें भी अंग के बिंदु का प्रयोग हुआ है जिसको मैं जोर से बोलती हूँ। ये देखिए अंग के बिंदु है और इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं अंग की आवाज़ को कैसे जोर से बोलूँगी और आप मेरे साथ दोहराएंगे। रंग बिरंगी होली आई, शंकर चंदन मंगल, अंकित संगीता संजू व मंजू सब रंग खेलने आए, चारों ओर होली का हुड़दंग है, मंजू ने संजू को पकड़ा और संगीता ने उस पर रंग डाल दिया, सबने संग मिलकर होली खेली। तो बच्चों आज हमने किसका अभ्यास किया था, आज हमने किया था किसका अभ्यास, आज हमने किया अंग की बिंदु का अभ्यास किया, अंग का अभ्यास किया है। और अब हम करने जा रहे हैं आओ कुछ करें, हमें क्या करना है, हमें सही जगह पर अंग को बिंदु को लगाकर शब्दों को शुद्ध करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रग, रग, अब इसमें क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें अंग की बिंदु लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, रंग। ऐसे ही ये क्या लिखा है, ये लिखा है सीग, सीग में अगर मैं बिंदु लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, सींग। पखा, ये क्या लिखा है, पख, पख में अगर मैं बिंदु लगा दूंगी क्या बन जाएगा, पंख। पा में ऊपर बिंदु आ गया तो आवाज कैसी आएगी, पंग, अंग, पंख। ऐसे ही ये क्या है, भीड़ी, भीड़ी में अगर हमने आप बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया, भिन, भिंडी। जगल, जगल, जगल में बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया, जंग, अंग की आवाज आई, जंगल। सुगध, सुगंध में ऊपर बिंदु क्या बन गया, सुगंध, सुगंध। बदूक, बदूक में ऊपर बिंदु क्या बन गया, बन, बंदूक। सतान, सतान में ऊपर बिंदु संतान, संतान। सदेश, स्वदेश में फिर से ऊपर बिंदु क्या बन गया, संदेश, संदेश। और अब क्या है, चित्र देखकर खाली स्थान भरने हैं, ये क्या बना हुआ है, का बना दिया तो मैंने उस पर बिंदु लगा दिया तो क्या बन गया, ये कंगन, कंगन, क्या बन गया, कंगन। और ये बना है संतरा, और तरा लिखा है तो मैंने यहाँ पे स लिख दिया, ऊपर बिंदु क्या बन गया, संतरा। ये है शक, क्या बना है, खा लिखा है और मैंने यहाँ पे खाल श लिख के ऊपर बिंदु लगा दिया, बन गया शंख। फिर से ये क्या बना है, शैतान सा बंदर, और यहाँ पे लिखा है दर तो हमने यहाँ पे बा लिख दिया, ऊपर बिंदु लगा दिया, बन गया बंदर। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने चित्र देखकर पूरे किए थे और अब थोड़े से चित्र और बने हुए हैं जिनको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या बना है चित्र, झंडा बना है तो हम क्या कर देंगे, पूरा कर दिया, क्या बन गया, झंडा। ऐसे ही अंडा बना है और ये डा लिखा है तो मैंने यहाँ पे आ लिख के उसको बिंदु लगा दिया, बन गया अंडा। ये क्या बना है, पंखा, तो पा लिख के ऊपर बिंदु क्या बन गया, पंखा। ऐसे ही कंघा, कंघी बनी है तो का बना के ऊपर बिंदु क्या बन गई, कंग, अंग की आवाज आई, कंघी। तो और अभी हमने किसका अभ्यास किया था, अंग की मात्रा का, जो अक्षर होता है उसके ऊपर अगर बिंदु, जैसे ये पा लिखा है इसके ऊपर बिंदु लगा दिया तो क्या बन जाएगा, पंग, ठीक है, तो अंग की आवाज आती है। तो हमने इसका अभ्यास किया था और इसके बाद आप क्या करेंगे, सुलेख लिखेंगे, सुलेख मतलब बहुत सुंदर लेख जिसमें अंग की मात्रा होगी, चंदन चल, बालों में कंघी कर, शंकर का मंदिर बहुत ही
सुंदर बना है। मयंक रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है। और ये बच्चों आपको क्या करना है, सुलेख करना है और इसके साथ अंग की मात्रा का अभ्यास करना है। नई मात्रा के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।